क्या कर रहे हो लल्ला? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि काश किसी के सब्सक्राइबर कॉपी कर पाते। गुड क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, कौन हो तुम? जान जाओगे। कैसे हो सकता है बताओ? ये वीडियो देखो। तो गाइस, आप सभी सोचते होंगे कि किसी के सब्सक्राइबर में कॉपी कर लेता तो मजा आ जाता। तो ऐसा हो सकता है, आप किसी के सब्सक्राइबर कॉपी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये पांच आपको टिप्स आपको जानना पड़ेगा। अगर आप ये पांच टिप्स जान लेते हो तो आप भी किसी के सब्सक्राइबर कॉपी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी किया और वहाँ पर अपने चैनल पर जाकर पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको ये पाँच कामें करना पड़ेगा। अगर आप ये पाँच काम करते हो तो उसके ऑडियंस आपके चैनल पर जो है 100% आने लगेगा। इसीलिए आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो बिना टाइम इसके चलिए किसी और के ऑडियंस को अपने ऑडियंस बनाते हैं, किसी और के सब्सक्राइबर को अपने सब्सक्राइबर बनाते हैं बिना किसी इंट्रो के। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस टॉपिक पर कपिल भाई ने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं अपने ऑडियंस को भी बताते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसका क्रेडिट जो है हम कपिल भाई को ही देंगे इस वीडियो का। तो देखो दोस्तों, आपको किसी के सब्सक्राइबर कॉपी करने के लिए, किसी और के ऑडियंस को अपने ऑडियंस बनाने के लिए आपको ये पांच रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, पांच टिप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको पांचों टिप्स में एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहला टिप्स है कि आपको उसके कमेंट बॉक्स में जाके बिगिनर के सवाल का जवाब देना। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े क्रिएटर के कमेंट में कई सारे सवाल पूछते रहते हैं, कई सारे क्रिएटर सवाल पूछते रहते हैं, न्यू क्रिएटर, तो वो उन क्रिएटर को जवाब नहीं दे पाते क्योंकि बहुत सारे कमेंट उनके पास आते हैं तो वो सबको रिप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए आपको उन बिगिनर के, उन न्यू क्रिएटर के सवाल का जवाब आपको देना है। अगर आप उनके सवालों का जवाब सही दे देते हैं तो आपके चैनल पर वो आएगा और 100% आपके चैनल को वो सब्सक्राइब करेगा। टिप्स नंबर टू, आपको उसके साथ कोलैब या इंटरव्यू वगैरह आप ले सकते हो। चाहे तो आप उसका सेटअप या फिर उसके बारे में कुछ भी आप बता सकते हो अपने वीडियो में। इससे क्या होगा कि उसके ऑडियंस आपको जानने लगेंगे और उसके ऑडियंस आपके चैनल पर आएंगे तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेगा। टिप्स नंबर थ्री, आपको उसके सोशल मीडिया के फॉलोवर को टारगेट करना है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो उसके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर पर आपके उनके फॉलोवर को आप टारगेट कर सकते हो। आप उसके फॉलोवर वाले लिस्ट में जाके आप उनके फॉलोवर को आप मैसेज कर सकते हो कि मैं भी इस तरीके की वीडियो डालता हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और वो आपके चैनल पर विजिट कर लेते हैं और उसको आपका चैनल का कंटेंट पसंद आ जाता है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। टिप्स नंबर फोर, अब किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना तो ये मैटर नहीं करता है, बस आपको बड़े बड़े क्रिएटर को मेंशन करना है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको अपने वीडियो में बोल देना है। टिप्स नंबर फाइव, आपको अपने एनालिटिक्स में जाना है और देखना है कि टॉप वन में कौन से क्रिएटर है और जो भी है टॉप वन में जो क्रिएटर है उनके जैसा आपको वीडियो बनाना है। वो जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उसी टॉपिक पर आपको भी वीडियो बनाना है। वो जिस तरीके के थंबनेल बना रहे हैं उसी तरीके के आपको भी थंबनेल बना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ऑडियंस जो है उस क्रिएटर के वीडियो देखता है, इसीलिए आपको भी उसकी जैसे आपको वीडियो बनाना है। अब ये मत सोचने लगना कि उन्होंने तो वीडियो बना दिया है तो मेरे वीडियो कौन देखेगा, उस टॉपिक पर कौन वीडियो देखेगा, तो ऐसा नहीं है। हर क्रिएटर के दिमाग में यही रहता है, वो एक बंदे से संतुष्ट नहीं होता है। मैं भी आपको कोई टिप्स बताता हूँ तो आप मेरे से संतुष्ट नहीं होगे। मेरे ही टॉपिक पर आप कई सारे वीडियो देखोगे, अगर उसी से रिलेटेड कई सारे आपने वीडियो देख लिया तब आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक्स काम करता है। इसीलिए हर एक क्रिएटर के माइंड में यही रहता है, किसी भी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक क्रिएटर की वो वीडियो देखता है उसी टॉपिक पर, उसी से रिलेटेड हर एक क्रिएटर के वीडियो देखता है। जब तक उसको उसी से रिलेटेड दो चार वीडियो नहीं देखने को मिलता है तब तक वो ट्रिक अपने चैनल पर अप्लाई नहीं करता है। इसीलिए आपको उसी से रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है जो आपके एनालिटिक्स में टॉप वन में क्रिएटर है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी और के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और उसके ऑडियंस को अपने चैनल पर ला सकते हो और इस तरीके से सब्सक्राइबर आप कॉपी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप ये पांच टिप्स को आप फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो अगर आपको भी उसके सब्सक्राइबर को टारगेट करना है तो आपको ये पांच रूल आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, या फिर आपको मेरे ही सब्सक्राइबर को टारगेट करना है तो आपको मेरे से रिलेटेड आपको कुछ बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरी ऑडियंस आपके चैनल पर जाएंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान अपना एंड लव यू ऑल।